हमारी इस कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बादलों का वर्णन करते हैं, जब मार्च और अप्रैल की तपतपाती हुई गर्मी के बाद पहली पहली बार बारिश आती है। उस समय के उस रोमांटिक से मौसम में सिर्फ हम लोग नहीं बल्कि प्रकृति भी खुशी से नाच उठती है। लेकिन हम तो ह्यूमंस हैं जी, भला हम कैसे समझेंगे कि गर्मी से झुलसते हुए वो पेड़ पौधे और पहाड़ों के लिए वो पहली पहली बारिश की खुशी क्या होगी। और इसीलिए कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बादलों का वर्णन काफी सालों बाद गांव आए किसी दमान की तरह करते हैं, जो बहुत दिनों के बाद अपनी पत्नी के पास उसके मायके उसे लेने आया हो। और जिस तरह दमान के आते ही गांव के बूढ़े उनका स्वागत करने लग जाते हैं, सालियां जीजू जीजू करते हुए आगे पीछे घूमती रहती हैं और घर के सारे नौकर जाकर उनकी सेवा में लग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जब पहली पहली बार बारिश आती है तो प्रकृति भी खुशी से झूमते हुए उन बादलों का स्वागत करती है, वैसे ही जैसे हम घर आए दमान का स्वागत करते हैं। इन्हीं बातों को कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हमारी इस कविता में लिखते हैं, जिसमें टोटल 4 स्टैंजास हैं जिन्हें हम पहले तो एनिमेशंस की मदद से अच्छे से समझेंगे एंड देन वर्ड बाय वर्ड पूरी पोयम पढ़ेंगे। तो यात्रीगण अपनी सीट की पट्टी बांध दो और चलो पोयम शुरू करते हैं। कहा था ना सीट बेल्ट बांध लो। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो हमारे इस पहले काव्यांश में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं, मेघ आए बड़े बंठन के समर के, मतलब जिस प्रकार गांव में जब दमांद आते हैं तो वो बड़े ही बंठन के और सवर कर आते हैं, ठीक उसी प्रकार आकाश में काले काले पानी से भरे हुए वो बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो बादल भी बंठन के और सवर कर आए हैं। आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली। ब्यार मतलब होता है हवा, जो कि गांव की लड़कियों की तरह दर्शाई गई हैं। जिस तरह गांव में जब दमांद आते हैं तो उनके आगे आगे गांव की लड़कियां दौड़ती भागती हुई घर आकर संदेश देती हैं, सुनो दीदी जीजू बस पहुंचने ही वाले हैं, वहीं पास वाले ठेके में पौवा मतलब पाव भाजी खा रहे हैं। ठीक उसी तरह जब बादल आते हैं तो उनके आगे आगे हवा दौड़ती भागती चली आती है, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। और जिस प्रकार दमान के आते ही लोग दरवाजे खिड़कियां खोलकर देखने लगते हैं, ठीक उसी तरह जैसे ही बारिश के काले काले बादल आते हैं वैसे ही लोग दरवाजे खिड़की खोलकर उन्हें निहारने लगते हैं, वैसे ही जैसे तुम छुप छुप कर अपनी क्रश को निहारते हो। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। पाहुन जो आए गांव में शहर के, यहाँ पे पाहुन का मतलब मेहमान से है, मतलब जिस प्रकार जब शहर से मेहमान के रूप में गांव के दमांद आते हैं तो सभी लोग उनका खुशी से स्वागत सत्कार करते हैं, ठीक उसी प्रकार जब बादल आते हैं तो सभी लोग फिर चाहे वो प्रकृति हो या इंसान बादलों का स्वागत करते हैं। अगेन मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मतलब बादल गांव की मेहमान की तरह बंठन कर और सवर कर आए हैं। अच्छा जी, तो अगले स्टैंजा में बढ़ने से पहले ये रहा इस स्टैंजा से आपके लिए एक छोटा सा और नन्हा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर। और आपका सवाल है, पाहुन ज्यों आए गांव में शहर के, इस पंक्ति में पाहुन शब्द का क्या अर्थ है। एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पैर, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी मेहमान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको नीचे कमेंट्स में बताना है एंड आंसर लॉक करने के लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी मेहमान। तो वहीं हमारे अगले काव्यांश में कवि कहते हैं, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ों से यहाँ पर कवि का आशय गांव के आम लोगों से है,
जब गांव में दामाद आते हैं तो जैसे गांव के आम लोग उन्हें गर्दन ऊंचे नीचे करके घूर घूर कर देखने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार जब बादल आते हैं तो पेड़ भी हवा के कारण हिलते डुलते हैं, जिसे देख ऐसा प्रतीत होता है जैसे पेड़ अपनी गर्दन उचकाकर बादलों का स्वागत कर रहे हैं। आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए। धूल से कवि का तात्पर्य गांव की महिलाओं से है। जिस प्रकार जब गांव में दामाद आते हैं तो सारी महिलाएं अपना घाघरा उठाए दौड़ते भागते उन्हें देखने पहुंच जाती हैं, ठीक उसी प्रकार काले काले बादलों के आते ही आसपास धूल उड़ने लगती है। बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके। बाकी चितवन मतलब होता है तिरछी नजर से छुप छुप कर देखना, जैसे तुम अपनी क्रश को देखा करते हो। और नदी का तात्पर्य नव वधु से है, जिनकी कुछ दिन पहले ही गांव में शादी हुई है। और जैसे हम ठंड में हवा के चलते ही एकदम अचानक से ठिठुक कर रुक जाते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी ठिठुकना मतलब एकदम अचानक से रुक जाना है। मतलब कि जिस प्रकार गांव में दामाद के आते ही सारी की सारी नववधु रुक कर अपना हल्का सा घूंघट ऊपर करती हैं और तिरछी नज़र से गांव में आए मेहमान को देखने लगती हैं कि देखे तो हमारे वाले इनसे सुंदर हैं कि नहीं, ठीक उसी प्रकार जब बादल आते हैं तो नदियां भी हल्की सी धीमी होकर तिरछी नज़र से उन्हें देखने लगती हैं। अगेन मेघाए बड़े बंठन के सवर के, मतलब बादल गांव के मेहमान की तरह बड़े ही बंठन कर और सवर कर आए हैं। अच्छा जी, तो आगे बढ़ने से पहले ये रहा इस स्टेंजा से आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर। और आपका सवाल है, आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए, इस पंक्ति में धूल का तात्पर्य किससे है? एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नववधु, ऑप्शन बी गांव की महिलाएं, ऑप्शन सी गांव के लोग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको नीचे कमेंट्स में बताना है। एंड अपना आंसर लॉक करने के लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन बी गांव की महिलाएं। तो वहीं हमारे अगले काव्यांश में कवि कहते हैं, बूढ़े पीपल ने आगे झुककर जुहार की। बूढ़े पीपल से कवि का तात्पर्य गांव के बूढ़े लोगों से है। जिस प्रकार गांव में दामाद के आते ही गांव के सारे बूढ़े लोग झुककर उनका स्वागत सत्कार करते हैं, ठीक उसी प्रकार बादलों के आते ही बूढ़ा पीपल का पेड़ बादलों का स्वागत कर रहा है। बरस बाद सूध लेनी, बोली अकुलाई, लता ओटहों के वार की। बरस बाद सूध लेनी मतलब बरसों बाद हमें याद किया। अकुलाई लता मतलब होता है सूखी हुई लता, और ओट मतलब छिपकर, और किवार मतलब होता है दरवाजा। मतलब कि इतने सालों बाद बादलों को देखकर वो मुरझाई हुई लताएं कहती हैं, इतने दिन बाद हमारी याद आई, हाँ देखो तो आपके इंतजार में हम तो सूख गए। ठीक उसी तरह जैसे गांव में दामाद के आने पर उनकी पत्नी की दोस्त दरवाजे के पीछे छुप कर अपने जीजू से कहती हैं, आपको हमारी याद बहुत जल्दी नहीं आ गई जीजू, देखो तो आपके इंतजार में हम तो सूख गए। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। हर्षाया मतलब हर्ष से भरा हुआ या फिर खुशी से भरा हुआ। ताल मतलब होता है तालाब, और परात मतलब बड़ी सी थाली। मतलब कि जिस प्रकार दामाद के आते ही घर के सारे नौकर चाकर एकदम खुशी से दामाद का पैर धुलाने के लिए एक बड़ी सी परात में पानी ले आते हैं, ठीक उसी प्रकार बादलों को आते देख तालाब भी खुशी से उनका इंतजार कर रहा है। एंड अगेन मेघाए बड़े बंठन के सवर के, मतलब बादल गांव के मेहमान की तरह बंठन कर और सवर कर आए हैं। और ये रहा इस स्टैंजा से आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर। और आपका सवाल है, बोली अकुलाई लता ओट हो की बार की, इस पंक्ति में लता किसकी प्रतीक है? एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नववधु, ऑप्शन बी दुल्हन की दोस्त, ऑप्शन सी छोटी सी बच्ची, या ऑप्शन डी दुल्हन की। आंसर आपको नीचे कमेंट्स में बताना है। एंड आंसर लॉक करने के लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब।
और सही जवाब है ऑप्शन बी, दुल्हन की दोस्त। तो वहीं हमारे अगले और इस आखिरी काव्यांश में कवि कहते हैं, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। क्षितिज मतलब होता है होराइजन या फिर आकाश, अटारी मतलब होता है छत, दामिनी मतलब बिजली और दमकी मतलब चमकी। मतलब कि जिस तरह फाइनली जब दमान घर के सामने आ जाते हैं तो उनकी सुंदर सी पत्नी घर के छत पर चढ़कर उन्हें निहारने लगती है, ठीक उसी प्रकार बादलों के आते ही बिजली आसमान में चमकती दिखाई देती है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। और फाइनली छत से जब पत्नी अपने पति को आते देखती है तो वो मन ही मन कहती है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें तो लगा था आप आओगे ही नहीं, लेकिन आपको देखकर हमारे ये भ्रम की गांठ खुल चुकी है। बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ढर के। आंसू मतलब होता है आंसू, ढर के मतलब बहने लगे। मतलब कि जैसे ही पति पत्नी एक दूसरे को इतने दिनों के बाद देखते हैं तो दोनों के आंसुओं के बांध टूट जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। एंड एक बार और फाइनली मेघाए बड़े बंठन के सबर के। मतलब बादल गांव की मेहमान की तरह बंठन के और एकदम सबर कर आए हैं। और ये रहा इस स्टैंजा से आपका आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर। और आपका सवाल है, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, इस पंक्ति में अटारी शब्द का क्या अर्थ है? एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए होराइजन, ऑप्शन बी बादल, ऑप्शन सी बिजली या ऑप्शन डी छत। एंड आंसर आपको नीचे कमेंट्स में बताना है। आंसर लॉक करने के लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन डी छत। तो बस यार यहीं पे खत्म होती है हमारी ये प्यारी सी पोयम। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में अगली पोयम के साथ। और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।